Hello guys, welcome back to my channel. It would mean a lot if you spare skin and subscribe to my channel. So, आज का डे एंड ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है. अभी दिन के बज रहे हैं 11 और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि आज मेरी वैक्सीनेशन जो डॉग बाइट हुआ था रेबीज वाला, उसका सेकेंड डोज लगना है वैक्सीनेशन का. तो आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ गवर्नमेंट वाले, जहाँ पर मैंने कल वाले ब्लॉग में आपने देखा हो ना दादाजी का जो इंजेक्शन लगवाए थे, उनसे पूछ के आई थी. तो उन्होंने बोला था कि हाँ हाँ यहाँ पे लग जाता है तो आप आके लगवा लेना, और वहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं होता है. तो मैंने सोचा कि वहीं से क्यों ना लगवा लिया जाए. तो आज सेकंड डोज लगनी है, तो चलो चलते हैं सेकंड डोज लगवाते हैं. अभी मैं जा रही थी पार्किंग में अपनी स्कूटी निकालने, स्कूटी से जाऊँगी और जो भी होगा आगे आपके साथ शेयर करूँगी. तो चलो पहुंच गए हैं हॉस्पिटल. मतलब मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ. अब मैं जा रही हूँ अंदर, ओपीडी कार्ड बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं जो भी प्रोसेस होगा वो करेंगे. और अगर कुछ हुआ शूट करने लायक या मैं शूट कर पाई, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं मेरे को शर्म आ जाती है शूट करने में, अगर मैं शूट कर पाई तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी क्या चल रहा है अंदर. तो चलो चलते हैं, करते हैं काम, फिर मिलती हूँ थोड़ी बहुत देर में. ये रहा हॉस्पिटल जो कल देखा था आपने, आज भी देख लो. ये रहा हॉस्पिटल और ये रही मैं. अब मैं जा रही हूँ अंदर, चलते हैं. दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे. बाबाओं की हम से सबक हो गई है, बन गई है. स्लिप बनने के बाद अब मैं जा रही हूँ जहाँ पे लगना है देखो इंजेक्शन, तो उस वाले एरिया में जाएंगे. वो बेसमेंट में बोल रहे हैं लगेगा, तो कह रहे हैं वहाँ पे अंधेरा वगैरह होगा तो आराम से जाना. पता नहीं लाइट है या नहीं है, वो उन्होंने मुझे बोला अंधेरा होगा तो आराम से जाना, देख लेना कौन से रूम में लग रहा करके. तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ, और अंदर जाके अगर शूट करने मिला तो शूट करेंगे, दिखाऊँगी कितने इंजेक्शन लग रहे हैं. क्योंकि इन्होंने बताया दो लगेंगे, दो तो मेरे को ऑलरेडी लग चुके हैं. आप देखते हैं कितने लगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का अलग होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल का अलग होता है. प्राइवेट में एक ही एक लगता है अभी, यहाँ का पता नहीं क्या है. तो चलो चलते हैं लगवाते हैं इंजेक्शन राधे का नाम लेकर, और फिर मिलती हूँ आपको. तो अभी मैंने पूछा एक अंकल से, गार्ड भी है से, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे लगेगा उस वाले गेट में, यही वाला गेट जिसके यहाँ लगेगा. तो मैं अभी इंजेक्शन लगवा लेती हूँ, फिर निकल के मिलूँगी आपको. क्योंकि कोई भी नहीं है यार यहाँ, मेरे को तो डर लग रहा है मेरे को पकड़ लिया किसी ने तो. देखना कोई भी नहीं है, मतलब ये गेट बंद है उधर गेट बंद है, गार्ड भी नहीं है कोई. तो मैं अभी किसी को फ़ोन करूँगी, ताकि लोगों को अगर कोई मेरे को पकड़ने आया ना उसको पता चल जाएगा मेरे को मैंने फ़ोन करा हुआ है. क्योंकि कोई भी नहीं, देखना पीछे भी कोई नहीं, पूरा खाली है. एक बंदा है निकल के, अरे गॉड कोई भी नहीं, सच्ची में कोई नहीं है यहाँ तो. पूरा हॉस्पिटल खाली है, कोई है ही नहीं यार, मेरे को तो डर लग गई अंदर जाने में. तो चलो मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करूँगी, मम्मी को फ़ोन करूँगी, ताकि अगर मुझे किसी ने पकड़ा तो उनको पता चल जाएगा मेरे को पकड़ लिया है ना. तो अभी मैं फ़ोन करती हूँ, फिर मिलूँगी आपको. कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये बड़ा पंगा होता है कि पहले वो करवाओ, एक जगह एंट्री कराओ, दो जगह एंट्री कराओ, तीन जगह एंट्री कराओ. मतलब ये अभी मैं तीसरी एंट्री कराने जा रही हूँ, एक डेढ़ घंटे से घूमने जा रही हूँ मैं यहाँ, पागल बना दिया. उन्होंने ये पता नहीं क्या तामझाम लिखा हुआ है, जो इस वाले पेपर पे भी लिखा हुआ है वही उन्होंने यहाँ पे कॉपी करा है. इसके लिए मेरे को भगा दिया उन्होंने इतनी दूर. पता नहीं है कि इतना तामझाम, इस पे डेट डाली है कौन सा इंजेक्शन किस डेट को लगना है. तो वो बहू तो मेरे को पता है कौन से डेट को कौन सा इंजेक्शन लगना है. हती है पागल से, जा रही हूँ मैं इंजेक्शन लगाने. तो अभी लग गया इंजेक्शन, उन्होंने दोनों हाथों पे लगा दिया. मतलब एक ही इंजेक्शन था, मैं दोनों हाथों पे लगाया, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. मैं प्राइवेट में लगाती हूँ तो यार इतना पेन नहीं होता, पता नहीं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. अभी तो हाथ पे स्कूटी चलेगी नहीं चलेगी ये भी नहीं पता मेरे को. मैं सोची थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, और देखना अभी मैं गई वहाँ पर इमरजेंसी में लिखवाने के लिए जो मैंने आपको बताया.
अभी भी उन्होंने पूरा लिख के नहीं दिया, उन्होंने वो चार्ट बना के रहे, चार्ट नहीं बनाया इस पर कि थर्ड डोज कब लगनी है, फोर्थ डोज कब लगनी है, जो भी होता है ना चार पांच डोज लगती है वो कब लगनी है, तो उसमें प्रॉपर चार्ट बना के देते हैं। वो वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे ना, वो मेरे को लग रहा है सोया नहीं रात को, अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा होगा, ऐसे ना ऐसे लेटा हुआ चेयर के ऊपर। उसको मैंने बोला अभी से चार्ट नहीं बनाया आपने, कहता है उसकी ज़रूरत नहीं होती, अभी ये सिस्टर कह रही है आप चार्ट बना के लेके आओ, उसके बाद वो साइन करेंगे इस पर, तब वो लगेगी फोर्थ डोज। तो मतलब हद नहीं है, तीसरा चक्कर इमरजेंसी में, एक बार में काम नहीं करते होते हैं। अब इन्होंने ये बना के दिए चार्ट, वो भी पता नहीं मेरे को सही नहीं लग रहा, क्योंकि एक सेवन्थ डे पे लगना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे 21 को लगना है थर्ड डोज। मेरे अकॉर्डिंग सेवन्थ डे लगता है थर्ड डोज, मतलब जो सेकंड लगाते हैं डोज उसके सेवन्थ डे लगता है थर्ड डोज। उन्होंने 19 डाला, 19 के अकॉर्डिंग तो 5 ही दिन होते हैं, 21 को लगना था। आप पता नहीं यार क्या ही है, प्राइवेट और गवर्नमेंट का अलग अलग होता है कैसी है। तो मैं आऊँगी 19 को, आके देखूँगी, नर्स से पूछूँगी कि क्या है, लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि जो डॉक्टर था ना वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लड़ाई करके आया, जरूर किसी से पक्का लड़ाई करके आया, अपनी गर्लफ्रेंड से, बीवी से, मतलब अजीब से बिहेव कर रहा था, कह रहा इसमें क्या करना है, इसमें क्या बनाना है। मैंने सर वो बोल रहे बनाने के लिए, बना के दो, तब बनाया उसमें भी 19 लिख दिया, मेरे अकॉर्डिंग 21 होना चाहिए, बट ठीक है देखते हैं 19 को आके देखते हैं। कोई कुत्ता रो रहा है, देखते हैं 19 को आ करके लगता है या नहीं लगता। अभी मैं सीधा डायरेक्ट जाऊंगी घर और फिर मिलते हैं घर जाके। लास्ट क्लिप में आपने सुना होगा ना कि मैं बोल रही थी किसी डॉग की रोने की आवाज़ आ रही, तो ये बच्चा था, इसकी आवाज़ आ रही थी रोने की, क्योंकि ये हॉस्पिटल के अंदर आ गया था, फीमेल बच्चा है, मुश्किल से 1 या 1.5 महीने का होगा, किसी को नहीं पता ये कहाँ से आया। और जो गार्ड भैया थे ना वो इसको मार रहे थे डंडे से कि तू बाहर जा करके। फिर जब मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी तो मैं पार्किंग से निकल ही रही थी, मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई रोने की, तो मैं गई इसके पास, फिर मैंने इसको खाना पीना दिया। उसके बाद में मैं बहुत ढूंढा, मतलब 1.5-2 घंटे तक मैंने ढूंढा इसकी माँ को, मैं कहा आसपास ही होगी कहीं, बट इसकी माँ कहीं मिली नहीं। तो वहाँ पास में मेरी फ्रेंड का घर था, तो मैं इसको वहाँ पर ड्रॉप करके आ गई। उन्होंने बोला कि ठीक है हम घर के बाहर इसकी टेक केयर वगैरह कर लेंगे, तो अभी ये वहाँ है। मैं घर आ गई थी, घर आने के बाद मेरी हो गई तबीयत खराब, मतलब तबीयत खराब होने से मेरे हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं सो गई थी। और अभी मैं सो के उठी तभी मैं बना रही चाय, तो चाय पीते हैं और कुछ करेंगे तो आपको दिखा देंगे, नहीं करेंगे तो अभी तो फिलहाल चाय पीनी है ताकि मेरा सर का दर्द थोड़ा सा ठीक हो जाए। चाय पानी करने के बाद मैंने बनाई वीडियो, और वीडियो में मैंने आज ये बनाई थी, हेयर एक्सेसरीज थी जो मैंने बनाई थी, जिसकी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, तो आप वो जाकर देख लेना। ये है मेरे रात की डिनर की थाली, इतना सारा कुछ नहीं खाया था बट मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया था तो मैंने आपको दिखा दिया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो एंड व्लॉग आपको अच्छा लगा, बहुत ही रैंडम सा व्लॉग था, ऐसा कुछ था नहीं कि मैं बनाऊंगी करके व्लॉग, तो बन के रेडी हो गया था व्लॉग 8-9 मिनट का, तो मैंने सोचा कि ना अपलोड कर दिया जाए और गैप भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं डेली बेसिस पे व्लॉग डालूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर यहाँ तक पहुँच गई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। और जाने से पहले एक और बात, जो आपने अभी डॉग का बच्चा देखा था, अगर यार आप लोगों को कहीं भी कोई ऐसा डॉग का बच्चा मिलता है या किसी भी एनिमल का बच्चा मिलता है, नॉट ओनली फॉर डॉग्स, किसी भी एनिमल का बच्चा मिलता है, वो आपको हार्म नहीं करेंगे, जब तक आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हो वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। वहाँ पे जो गार्ड भैया था वो इतना बड़ा डंडा लेके, जो गार्ड के पास डंडा होता है उसको वो लेकर के उसको डांट रहे थे, उसको भगा रहे थे ऐसे करके, मुझे बहुत ही आवाज़ ऐसे ना बहुत चिल्लाने वाली आवाज़ आई, तब मैंने वहाँ जाकर देखा। फिर मैंने उन भैया से बात की, बात मैंने बहुत आराम से की, बट ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आप इतना छोटा सा बच्चा अगर अपनी माँ से कहीं दूर हो गया है तो आप उसको साइड में बिठा दो, उसको कुछ खाने के लिए दे दो, उसको पीने के लिए दे दो, वो आपसे आपका ज़मीन जायदाद तो मांगेंगी नहीं, वो उनको सिर्फ खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है जो आप लोग दिखा सकते हो, उसमें पैसे नहीं लगते हैं, कोई आपको बाइट नहीं करेगा। वो भैया वहाँ कह रहे हैं हमको काट लेगा, हमको ये कर देगा, हमको वो कर देगा, और ये जो ये होता है ना कि वो डर होता है कि हमको डॉग ने काट दिया, हमको कैट ने काट दिया, गाय ने मार दिया, ये वही लोग होते हैं जो रात को मुर्गा टांग खा रहे होते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, तब इनको डर नहीं लगता कि आप किसी को मार के खा रहे हो करके, और उसका कितना पाप लग रहा है आपको, जो जो भी आप चिकन वगैरह खाते हो उसमें कौन सी बीमारी थी मरने से पहले, उसको आपको पता है क्या कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं, तो उस चीज़ से उनको डर नहीं लगता कि आप मरे हुए
किसी जीव का मांस खा रहे हो, उस जीव को कौन सी बीमारी थी या वो किस तरीके से सरवाइव कर रहा था, कितनी बुरी तरीके से उसको रखा गया है, कितनी गंदी जगह पे रखा जाता है उन लोगों को, वो उनको नहीं दिखता है। मतलब वो उस चीज़ से नहीं डरते हैं, बट कोई अगर जिंदा जीव आपको दिख रहा है तो उस चीज़ से आप डरते हो कि ये मुझे काट लेगा। जिसका ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन लग जाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि डॉग ने काटा या कैट ने काटा तो ऑन द स्पॉट आपको रेबीज हो जाएगा और आप उसकी जगह भौंकने लग जाओगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो यार थोड़ा सा तो सेंस होना चाहिए। कितना सा, इतना सा बच्चा है वो, 1 महीने का करीब होगा वो बच्चा, और उसको इतने बड़े डंडे से मार रहे थे वो। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मैं वहाँ पे लड़ना नहीं चाहती थी, इससे मैंने आराम से साइड किया, अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, वो अपने घर लेके चले गए उसको। मतलब मैं उसके घर पे छोड़ के आ गई हूँ, वो वहीं पे भी ठीक है, वो लोग खाना पीना दे रहे हैं। तो यार अगर कोई मिले तो प्लीज़, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो मारो भी मत। अगर खाना नहीं दे सकते हो तो आपको किसी ने राइट नहीं दिया किसी भी जीव को मारने का। अगर खाना दे सकते हो तो आपको राइट है, आप उसको समझा सकते हो, आप उसको डांट सकते हो, क्योंकि आप उसकी केयर कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको मारने है, पीटने है, या उनको ऐसे लताड़ने का राइट भी नहीं है। तो ये लास्ट में एक मैसेज था। अगर जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आई होप उन लोगों को समझ आएगा, अभी तो बहुत सारे लोग नहीं देखते, बट हाँ कभी अगर किसी ने वीडियो देखा हो, किसी एक इंसान को भी मेरी बातों से समझ आ गया, तो मुझे लगेगा कि मैंने ये वीडियो में ये क्लिप डालकर कुछ अच्छा किया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर देखते हैं।